डायल्यूट फंक्शन और रियल फंक्शन, वास्तविक फलन किसे कहते हैं? आप देखिए, पहले हम पढ़ के सुना देते हैं, फिर आपको समझाएंगे। यदि ए तथापि और रिक्त समुच्चय, जैसा कि फलन में ही बताया गया, यदि ए तथापि अरित समुच हो तथापि वास्तविक संख्या का उपसमुच है। वास्तविक संख्या हमने 10 में पढ़ा है, परिमेय और अपरिमेय के संग्रह को वास्तविक कहते हैं। यदि ए तथापि अरित समुच हो तथापि वास्तविक संख्या का क्या हो? उपसमुच। तथा ए से बी में कोई फलन एफ हो तो इसे वास्तविक मान फलन कहते हैं। इसे वास्तविक मान फलन कहते हैं। एफ इज फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, वास्तविक मान फलन कहलाता है यदि बी वास्तविक संख्या को समुच्चय। ये सोचने वाली बात है, समुच्चय दो है, समुच्चय ए और समुच्चय बी, लेकिन वास्तविक संख्या जो होना चाहिए, वास्तविक मान जो होना चाहिए, ये सिर्फ जोर दिया गया है बी में। इसमें जोर दिया गया है बी में। यदि फिर सुन लीजिए, यदि ए तथा बी अरित समुच्चय हो तथा बी वास्तविक संख्या का उपसमुच्चय हो तथा ए से बी में कोई फलन एफ, इसे वास्तविक मान फलन कहते हैं। एफ इज फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, वास्तविक मान फलन तब कहलाता है यदि बी वास्तविक संख्या का समुच्चय हो। वास्तविक फलन का परिसर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, यही चीज आपको हम आज बनवाएंगे और ये सवाल आपको एनसीईआरटी में भी मिलेगा। वास्तविक मान फलन किसी फलन एफ का परिसर, किसी फलन एफ का परिसर एफ के मानों का समुच्चय होता है, एफ के मानों का समुच्चय होता है तथा एफ के स्वप्रांत का उपसमुच्चय होता है। व्हाट इज रेंज, परिसर क्या है? तो वह एफ के परिसर जो होता है किसी फंक्शन एफ के मान होता है और वह उपसमुच्चय होता है किसका? कोडोमेन, मतलब स्वप्रांत का। वास्तविक फलन का प्रांत, प्रांत कैसे निकालेंगे? यदि एफ एक फंक्शन हो और ए टू बी में एक वास्तविक संख्या का फलन हो, ए तथा बी वास्तविक संख्या का उपसमुच्चय हो, एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए के लिए एफ एक्स का मान वास्तविक हो। यह बात याद रखिएगा, एफ एक्स का मान वास्तविक होना चाहिए। मेरी बात को सुनिए, डोमेन निकालने के लिए सबसे बड़ा बात अभी हम देंगे आपको बनाने के लिए, एफ एक्स का मान हम निकालेंगे, जो मान वास्तविक निकलेगा, जो मान काल्पनिक निकलेगा, या जो मान लीजिए कि ऐसा निकला जो परिमेय नहीं है और परिमेय नहीं है, या इनके नियमों का पालन नहीं, मतलब जो वास्तविक नहीं है। फिर बस सुन लीजिए, यदि एफ एक फंक्शन हो ए से बी में एक वास्तविक संख्या का फलन हो जहां ए तथा बी वास्तविक संख्या का उपसमुच्चय हो, ए और बी वास्तविक संख्या होना चाहिए, एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए, एक्स एलिमेंट ए का होना चाहिए, एफ एक्स का मान वास्तविक हो, ये जोर दीजिएगा, एफ एक्स का मान वास्तविक हो, तो एफ का डोमेन उन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होता है जिनके लिए एफ एक्स का मान वास्तविक। सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं एक बार फिर बता रहा हूं, रियल वैल्यूड फंक्शन क्या है? व्हाट इज रियल वैल्यूड फंक्शन? यदि ए तथा बी दो समुच्चय हो, दो अरित समुच्चय हो तथा बी समुच्चय बी जो हो वास्तविक संख्या का उपसमुच्चय हो, तो इस फंक्शन को हम लोग कहेंगे रियल वैल्यूड फंक्शन। समझ में आया? यदि ए तथा बी दो अरित समुच्चय हो और बी वास्तविक संख्या का क्या हो? उपसमुच्चय, मतलब बी का जो भी एलिमेंट होगा वह वास्तविक संख्या होना चाहिए, बी का जो भी एलिमेंट होना चाहिए वह वास्तविक संख्या होना चाहिए, तब हम उस फलन को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? वास्तविक फलन। कोई एविडेंस नहीं है इसमें, कोई मतलब कंफ्यूजन नाम का चीज नहीं है इसमें। क्या है कंफ्यूजन? यदि ए तथा बी, फिर सुनिए, यदि ए तथा बी दो अरित समुच्चय हो, बी वास्तविक संख्या का उपसमुच्चय हो, तो ए से बी में जो फलन होगा उस फलन को हम लोग कहेंगे वास्तविक फलन। फिर इसका हम परिसर निकालेंगे, तो इसका परिसर कैसे निकालेंगे? तो किसी एफ का परिसर, एफ के मानों का समुच्चय होता है, एफ का वह मान जो, एफ का वह मान जो स्वप्रांत का क्या होगा? उपसमुच्चय होगा, उसको हम लोग कहेंगे परिसर। और
परिसर किस डोमेन किसको कहेंगे, मतलब प्रांत किसको कहेंगे। तो यदि f एक फंक्शन वास्तविक फंक्शन हो तो fx के लिए fx का वह मान जो वास्तविक होगा, fx का वह मान जो वास्तविक होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, डोमेन कहेंगे।